जितने भी रंग बिरंगे खिलौने आपने बचपन में खेले हैं, जैसे कि बैट, बॉल, स्टंप, फुटबॉल, कार, मोटरसाइकिल, सभी तरह के खिलौने ये मशीन बस चुटकियों में बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल चुटकियों में। बचपन में तो हमने और आपने खेले बहुत हैं। अब समय आ गया ये देखने का कि भैया इसे बनाते कैसे हैं, ये इतना महंगा क्यों होता था उस टाइम पे, अच्छा बेचने में दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा और इसकी फैक्ट्री किस तरह की होती होगी, कैसे इसे बनाया जाता होगा, है ना, है मन की नहीं। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ आपके माइंड में नहीं, मेरे माइंड में भी उठ रहे थे, इसीलिए तो मैंने ये वीडियो लेकर आई है। और सिर्फ आप एक्साइटेड नहीं है, आपसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कि भैया ये बनता कैसे होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं और दिखाते हैं। तो भैया खिलौने बनाने की अमेजिंग प्रोसेस शुरू होती है इसके रॉ मटेरियल से, जिसमें ज़्यादातर खिलौने बनाने के लिए पीपी पैलेट्स, एसडीपीई यूज़ करते हैं और अलग अलग रंग के खिलौने बनाने के लिए मास्टर बेस का यूज़ करते हैं। ये सभी रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, यदि नहीं मिलते हैं तो इंडिया मार्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ पर सस्ते रेट में मिल जाते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि इसको आप पिघला के आप ही बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद रंग बिरंगे खिलौने बनाने जैसे अमेजिंग वर्क करती है टॉयज ब्लो मोल्डिंग मशीन। इस यूनिक मशीन को साधी मशीनरी अहमदाबाद गुजरात के द्वारा बनाया गया है, जो सभी तरह के खिलौने बनाने के लिए भाई साहब बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अभी आप देखिएगा, यह 2 लीटर डबल हेड सिंगल स्टेशन मशीन है, तो एक बार में ही 2 टॉयज रेडी हो जाते हैं। ये मशीन 500 मिलीलीटर से लेकर 2 लीटर तक के सभी तरह के खिलौने और बॉटल वगैरह बना देती है। जी हाँ बिल्कुल, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें वर्कर्स को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ खिलौने का रॉ मटेरियल यानी कि एसडीपीई इस हॉपर में डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पर मशीन का कंट्रोल पैनल दिया गया है और इसी पैनल के जरिए पूरे मशीन को कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं, देन सबसे पहले ये मशीन एक्सट्रूडर में एसडीपीई को मेल्ट करती है। ये डबल हेड मशीन है, तो इसका रॉ मटेरियल दोनों हेड से नीचे की तरफ आता है, ये देखिए। अब इसके बगल में यहाँ पर मोल्ड लगे हुए हैं जो इसे कवर करते हैं। यह मोल्ड खिलौने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, यदि बैट बनाना है तो बैट का मोल्ड लगाया जाता है, बॉल बनाना है तो बॉल का, या फिर फुटबॉल बनानी है तो फुटबॉल का। इसके ऊपर यहाँ पर हॉट वायर कटर लगा हुआ है जो इसे कट कर देता है, ये देखिए। अभी आप यहाँ पर देखिए, मशीन डबल इंजेक्शन के जरिए मोल्ड के अंदर एयर प्रेशर दे रही है ताकि मोल्ड के अकॉर्डिंग खिलौने बनकर रेडी हो जाए। और बस मोल्ड खुलते ही आप देखिए ये स्टंप बनकर तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके से बच्चों के खेले जाने वाले प्लास्टिक स्टंप बनाए जाते हैं, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, पहले मैं भी पसंद करता था। सिर्फ स्टंप ही नहीं, अभी हम आपको बैट और बॉल भी बनाकर दिखाएंगे, बस 2 मिनट का वेट करिए। अभी इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा होता है उसे मैनुअली हाथों के जरिए निकाल देते हैं। और अभी आप यहाँ पर देखिए फाइनल प्रोडक्ट स्टंप बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। इसके आप बीच में देख रहे होंगे एक हॉल दिया गया है, इसी के जरिए एयर प्रेशर दिया जाता है। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जिनको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल होता है, बस एक बार ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद कोई भी बंदा आसानी से बना सकता है। यदि आप इस मशीन का लेटेस्ट प्राइस देखना चाहते हैं तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। बाकी इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है अभी हम आपको बताते हैं। अभी आप देखिए ये 1 लीटर सिंगल स्टेशन डबल हेड मशीन है और अभी इसमें प्लास्टिक के बॉल बनाए जाएंगे। ये ब्लो मोल्डिंग मशीन सिंगल हेड सिंगल स्टेशन डबल स्टेशन मॉडल में आती हैं। सिंगल हेड मशीन में प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, वहीं पर डबल हेड मशीन में प्रोडक्शन डबल हो जाता है और उसके बाद जो डबल स्टेशन मशीन है उसमें प्रोडक्शन 4 गुना हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पर एक्सट्रूडर मशीन से रॉ मटेरियल मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, इसमें प्लास्टिक बॉल की डाई लगाई गई है, तो अभी आप देखिएगा आपके सामने ही बिल्कुल रंग बिरंगी बॉल बनकर तैयार हो। ये 1 लीटर की डबल हेड मशीन है, तो एक बार में ही 4 बॉल तैयार हो जाती हैं, ये देखिए। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, तॉ इसमें सिर्फ एक बार हॉपर में रॉ मटेरियल डालने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद मशीन्स ऑटोमेटिक तरीके से मेल्ट करके मोल्ड में डालकर बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट रेडी करके देती हैं। बाकी वर्किंग प्रोसेस आप लाइव देख सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी आप देखिए बिल्कुल चमचमाती हुई बॉल बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम होती थी पहले, यदि गलती से इसमें पैर पड़ जाए तो ये बैठ जाती थी। बाकी देखिए ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं एक मशीन से मोटी बॉल भी बन जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा बॉल बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए बॉल और स्टंप तो रेडी हो गया, लेकिन मेन चीज इसको खेलने के लिए बैट तो रह ही गया, तो चलिए वो भी बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सिंगल हेड मशीन बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से बैट बना रही है, ये देखिए।
ये सिंगल हेड मशीन एक दिन यानी कि 12 घंटे में 960 बैट बनाती है और 25 दिन में लगभग 24,000 बैट बनकर रेडी हो जाते हैं। 960 बैट बनाने के लिए रोजाना 150 किलोग्राम SDPE रॉ मटेरियल यूज होता है और मार्केट में SDPE लगभग 105 रुपये 10 रुपये, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इतने रुपये मिलता है। तो इस हिसाब से रोजाना 15,750 रुपये का रॉ मटेरियल लगता है। अब ये प्रोडक्शन करने के लिए एक स्किल्ड लेबर, दो अनस्किल्ड लेबर, पावर कंजप्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग वगैरह मिला लिया जाए तो लगभग 21,420 रुपये की लागत आती है। तो एक बैट बनाने में लगभग 22 रुपये 31 पैसे का कॉस्ट पड़ता है और मार्केट में इसका होलसेल प्राइस 28 रुपये 30 रुपये 32 रुपये होता है। बाकी ये रिटेल में 50 से 60 रुपये 70 रुपये तक बिकते हैं। तो इसमें 8 से 10 रुपये मैन्युफैक्चरर कमाते हैं, 10 से 20 रुपये होलसेलर और 10 से 20 रुपये रिटेलर को बचता है। तो 24,000 बैट बनाने पर हर महीने मैन्युफैक्चरर लगभग 1.5 से 2 लाख की कमाई होती है। बाकी जो डबल हेड डबल स्टेशन मशीन आती है उसमें प्रोडक्शन डबल होने से कमाई भी ज़्यादा होती है। इन मशीन्स को चलाने के लिए 3-फेज कनेक्शन और मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें लाइसेंस की, तो देखिए टॉयज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से BIS लाइसेंस, GST और उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके साथ ही मैं खिलौनों को ऑफलाइन मार्केट जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, मॉल वगैरह या फिर जहां भी खिलौने मिलते हैं वहां पे बेचने के लिए या फिर ऑनलाइन मार्केट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो वगैरह में बेचने के लिए बारकोड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे प्रोडक्ट की फटाफट बिलिंग हो पाती है। आपने देखा भी होगा 2 मिनट में स्कैन करके आपको दे देते हैं, बिल पकड़ा देते हैं। तो ये बारकोड जो है तो बहुत से बिजनेस ऑनर quickbarcode.com से ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत ही कम प्राइस में बारकोड मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि बहुत से स्टार्टअप Shark Tank इंडिया से फंडिंग भी उठा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। यदि आप परचेस करें तो न्यूटेक इंडिया डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का जो है तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो खिलौनों में बारकोड लगे होने से उसकी फटाफट बिलिंग होती है और साथ ही में ब्रांडिंग हो जाती है, जिससे कि वो बड़े बड़े स्टोर में सेल होने लगता है। अब यदि हम बात करें इन मशीन्स के प्राइस और इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इनके प्राइस ब्लोइंग कैपेसिटी और हेड के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी इन मशीन्स का एवरेज प्राइस लगभग 12 से 13 लाख रुपये 14 लाख रुपये की भी मशीन्स आती हैं। इसके अलावा इन मशीन्स को चलाने के लिए एक वाटर चिलर और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है उसके लिए स्क्रैपर मशीन लगती है और इसके साथ ही में बाकी रॉ मटेरियल वगैरह मिला लिया जाए खिलौने का तो लगभग 19 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको कंपनी का नंबर और एड्रेस दे दिया है, आप जाइए, विजिट करिए, अपने हाथों से खिलौने बनाइए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए उसके बाद आप जो है तो इन बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। बाकी डिमांड तो इसकी ऑल ओवर इंडिया है और साथ ही में इंडिया के बाहर भी है, आप चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यूटेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मशीन्स का लाइव डेमो दिखाने के साथ साथ बिजनेस बताया जाता है। और हमें पता है कि हम बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप खुद सब्सक्राइब करेंगे जब आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहां पर आपको जो है तो पैकेजिंग मशीन्स दिख रही है, पैकेजिंग बिजनेस लगभग 15,000 रुपये में स्टार्ट हो जाता है, आप इसे देख सकते हैं। और इधर आपको टी शर्ट प्रिंटिंग की बिजनेस दिख रहा है, इसे आप देखिए लगभग 10,000 रुपये में स्टार्ट हो जाता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।